करने लगा हूँ, जो इस तरह के छोटे छोटे थेरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो आप लोग खुद करेंगे, जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे वो मुझे देंगे, वो मैं करवाऊंगा। अब बच्चों ये देखो, ये जैसे आया हुआ है वो कहता है क्या फाइंड करना है बच्चों इसमें से, हमने डेप्रिसिएशन फाइंड, ना 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 ना, बुक वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। बच्चों देखो, एक चीज की कीमत है 1 लाख और उसकी डेप्रिसिएशन हर साल 5,000 है, तो बेटे देखो ना, 1 लाख में से पहले साल 5,000 माइनस, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, तो पीछे क्या बच जाएगा सर, 75,000 बच जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, वो हमें कहते हैं मटेरियल कंज्यूम बताएं। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड और क्लोजिंग को माइनस करें तो हमारी क्या निकल आती है, ओपनिंग बच्चों मटेरियल कंज्यूम निकल आता है, क्या ओपनिंग में परचेजेस ऐड और क्लोजिंग माइनस, ठीक है, इसके मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। वेरी गुड, इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने मेरे मुझे भी बताना है। वो कहता है कि 80 यूनिट्स वर सोल्ड, व्हाट इज द एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग फाइफो मेथड। ठीक है बेटा, तो देखो फाइफो मेथड में क्या होता है, ऊपर से चीजें पहले बेचते हैं, लाइफो में नीचे से बेचते हैं, फाइफो में ऊपर से बेचते हैं। बच्चों 80 बिक गई, देखो 10 यहाँ से बिक गई और 35 यहाँ से बिक गई, कितनी बिक गई टोटल जवाब, 45। ठीक है, अब और इतना बेटा कहाँ से लेनी पड़ेगी, सर 35 यहाँ से लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे बच्चों कितनी बच गई, 5 यहाँ पे बच गई और 20 ये बच गई, 5 को 12 से मल्टीप्लाई, 20 को 13 से मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों, और जो आंसर आएगा उसके बाद माइनस करिए। देखो ना यहाँ इसने कहीं लिखा हुआ भी है, इसने शायद उस तरह एक्सप्लेन नहीं किया। मैं बेटे आपको क्या मैंने बताया, सर आपने कहा है कि ये देखिए ना 80 पूरे करने हैं ना बेटा, 5 यहाँ से, 35 यहाँ से, 35 यहाँ से, यहाँ से कितने बच गए, 5 बच गए, 5 को 12 से मल्टीप्लाई, इस 20 को बेटा 13 से मल्टी, दोनों को आपस में ऐड करना, ये आंसर आ जाए। समझ गया विक्रा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है जेहन में बेटा? अच्छा बेटा, वो नेक्स्ट क्या कहते हैं, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेटे ये देखो सर, ये लास्ट क्वेश्चन को जरा एक बार वो लाइफो से समझा दें तो दोनों समझ आ जाएंगे। हाँ, लाइफो में क्या होता है, गुड, लाइफो में देखो ना, जवाब हमने 80 बेचने हैं ना यार, तो 20 यहाँ से बेचेंगे, अगर यहाँ फाइफो की बजाय क्या लिखा होता, लाइफो लिखा होता, 20 यहाँ से, 40 यहाँ से, तो अभी 60 और 20 यहाँ से, तो यहाँ पे जवाब कितने बच जाएंगे, जो स्टॉक में बच जाएंगे सर, 15 यहाँ पे बच जाएंगे, 10 यहाँ पे बच जाएंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना, स्टॉक निकल आएगा, क्या जवाब निकल आएगा, स्टॉक निकल आएगा। ठीक है, लाइफो से, लाइफो में नीचे से 80 पूरे करने हैं और जो बाकी बचेंगे उनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों को कहता है कि यार मिसिंग फिगर देखो, कैश, कैश डेटर और एसेट मिल के आपके टोटल एसेट बनाते हैं, ये कितने बन गए, 1,11,000, उसमें से ऑनर्स इक्विटी कितने की है, 1,000 की, तो जब 1,11,000 में से 1,000 माइनस करोगे तो क्या बचेगा सर, 1,10,000 लाइबिलिटीज बचेंगी, क्या बचेंगी, लाइबिलिटीज बचेंगी। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, ये देखो ये नीचे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल या इक्विटी, इक्विटी और कैपिटल एक ही चीज को बोलते हैं। ये 1,000 रुपये है, ये 1,11,000 रुपये है, बच्चों 1,11,000 में से जब 1,000 माइनस होगा तो लाइबिलिटी 1,10,000 आ गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट यार मेरे करवाने वाला नहीं है, नेक्स्ट भी नहीं है, मेरे करवाने वाला ही है। ये देखो, मैंने आप लोगों को ना एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था न्यू बैड डेट्स प्लस ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, फार्मूला बताया था, याद है मैंने एक फार्मूला बताया, न्यू बैड डेट्स प्लस ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, तो अब ये फार्मूला ज़रा यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, न्यू बैड डेट्स प्लस ओल्ड बैड डेट्स माइनस ना ना प्लस न्यू प्रोविजन माइनस बच्चों ओल्ड प्रोविजन। तो न्यू बैड डेट्स कितने हैं सर, न्यू बैड डेट्स हैं 1600 ना,
जीरो दिए हुए ही नहीं है। जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं ना वो होल्ड होते हैं, याद रखना, ट्रायल बैलेंस में होते हैं वो होल्ड होते हैं। देखते हैं यार, गूगल को सिक्सटीन हंड्रेड, तो ये 800 हो गया न्यू प्रोविजन। ये देखो ना प्रोविजन न्यू लिखा हुआ है उसके साथ 800, और ओल्ड कितनी है 2000, माइनस करो जरा 400 आंसर आएगा। ठीक है, उसने गलत लिखा हुआ है ये आंसर। बच्चों इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये देखो ना 1600 और 800 मिलके 2400, 2400 में से 800 जो जो 2000 माइनस होगा तो 400 आंसर है, उसने गलत लिखा हुआ। समझ आइए आप लोगों को, फार्मूला देख लेना जरा। नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग बच्चों मुझसे क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। अच्छा जी, इट इज सपोज दैट द डेटर्स इतने के बच्चों, उसके बाद एस्टिमेटेड 10% प्रोविजन इतनी, और बैड डेट्स बच्चों इतने के, व्हाट विल बी द न्यू प्रोविजन। बच्चों याद है मैंने आप लोगों को ये भी फार्मूला बताया था? सर जी कोई नहीं याद, तो चलो फिर बताता हूँ। डेटर्स बच्चों मैंने कहा था डेटर्स लेस न्यू बैड डेट्स, जो बैलेंस बचेगा उस पर लेंगे लेस न्यू प्रोविजन। आप लोग जाके रिवाइज करना ना बच्चों, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। डेटर्स बेटा कितने के हैं? सर डेटर्स हैं 40,000। डेटर्स बेटा कितने के? 40,000। और उसके बाद बच्चों न्यू बैड डेट्स, सर ये देखिए ना ये लिखा हुआ है 1600 के न्यू बैड डेट्स हैं, ठीक है। इसको माइनस करो बीच में से, क्या बचेगा? 38,400। अब इस पे लो जरा 10% प्रोविजन। इस पे बच्चों क्या लेनी है? एक्चुअल बैड डेट्स इस पे आप लोगों ने लेनी है 10%। इस पे अगर आप लोग 10% लो तो कितनी बन रही है? ये बेटे बन रही है आपकी 38,400, और वो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज सपोज दैट द डेटर्स आर इतने, ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एस्टिमेटेड इतने, एक्चुअल बैड डेट्स आर इतने, व्हाट इज द न्यू प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स। ठीक हो गया ये बेटे, इसको ना आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, यानी डायरेक्ट आप लोग, वैसे फार्मूला यही है, फार्मूला यही है, डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स। अब इसके साथ ना बच्चों उसने न्यू और ओल्ड लिखा नहीं है, नहीं इसलिए हम इसको कहीं नहीं डाल रहे, इसलिए डायरेक्ट उसने इसका 10% लेके तो इधर डाल दिया, ठीक है। अगर इसके साथ न्यू लिखा होता तो ये फार्मूला इम्प्लीमेंट होना था जो मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट 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 बेटे ये जो ये चीज़ें आप लोगों ने खुद करनी है, अगर किसी में इशू होगा तो फिर भी मुझसे डिस्कस करना है। फर्म हैज 100 डेटर्स एंड ओन 150 एट द स्टार्ट ऑफ द जून। बेटे फर्म के 100 बंदे हैं जिनसे आपने ईच ऑफ देम 150 रुपीज आपने हर बंदे से लेते हैं ड्यूरिंग द जून। डेटर्स हैज पेड ऑफ, हर बंदे ने 150 हमें क्या दे दिया? वापस कर, सॉरी 1100 वापस कर दिया। देखो ये देखो, साल के शुरू में कितने लोग थे? 100, तो लोगों ने हमारे कितने देने थे? 15,000 रुपया। 100 लोगों ने हमें 100 रुपया क्या कर दिया बच्चों? वापस कर दिया, ठीक है। तो 10,000, तो बैलेंस कितना बच गया? वो कहता है बाकी कितना बच गया? 5,000। ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बेटे हमारे पास है टोटल सेल्स इतनी है, क्रेडिट सेल इतनी है, रिसीट इतनी है। वो कहता है क्रेडिट सेल्स बताएं। बच्चों याद रखना, टोटल सेल्स में से जो आपकी टोटल सेल्स हैं उसमें टोटल कैश सेल्स इतनी है, क्रेडिट सेल्स इतनी है, और हमारी जो है टोटल रिसीप्ट इतनी है, ठीक हो गया। तो हम पहले ऐड कर लेंगे अपनी टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमारी कैसे बनेंगी यार? बच्चों टोटल सेल्स ना, मेरी बात सुनो, बच्चों वो कहते हैं हमारी क्रेडिट रिसीट्स कितनी है, ठीक है। अच्छा हमने रिसीव कितने किए हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से बच्चों, सॉरी 2.5 लाख, इसमें से 1.5 लाख तो इस साल की कैश है। ये देखो ना, हमें इस साल टोटल रिसीव कितने हुए हैं? 2.5 लाख।
इस साल ये कितनी कैश रिसीव है बेटा? 1.5 लाख। तो पीछे कितना बच गया सर? 1 लाख। कितना बच गया बच्चों? 1 लाख बचा। इस तरह से 1 लाख आया। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा वो कहता है दो पार्टनर्स हैं उनके दरमियान इस पैसे को डिवाइड करें। तो बच्चों बड़ा आसान है, ये लो और हमने ए का शेयर निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। बेटा 6600 को 2 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है वो कहता है जी एक कंपनी है उन्होंने सोल्ड किया है एक प्लांट इतने पे, इतनी ओरिजिनल कॉस्ट थी फॉर इतनी कैश का। इफ द सेंडर करेक्टली रिपोर्ट 5000 गेन ऑन सेल द एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑन द डेट हैज बिन। वो कहता है कि हमने एक प्लांट था जिस जो हमने 5000 ना एक्स्ट्रा बच्चों सॉरी जी वालेकुम अस्सलाम 52000 हमने लिया था। जवाब जी गौर से सुनना, जब हमने लिया था तो वो 80000 रुपए का था। जब हमने जवाब उसको बेचा है तो वो कितने का बिका है? 5200 का। कितने का? 52। वो कहता है यार बताओ इस पे डेप्रिसिएशन कितनी हुई थी अगर 5000 इसके अंदर प्रॉफिट शामिल हो। इसके अंदर बच्चों 5000 अगर प्रॉफिट शामिल हो, 5000 को इसमें से निकालो, इसमें से 5000 को निकालो, इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट बीच में से निकालेंगे तो हमारा पीछे कितना बच जाएगा? 47000। कितना बच जाएगा? 47। अब आप 80000 में से 47 को माइनस करो, 33 आपकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। 33 आपकी क्या निकल आएगी? डेप्रिसिएशन निकल आएगी। नेक्स्ट बेटा ये सेम रेशो वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर रेशो वाला ये आ गया, रेशो वाला आप लोग कर सकते हैं। चलें इसमें क्या बताते हैं, एम एंड एन इन द पार्टनर विद इक्वल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो कहता है मार्कअप ऑन कैपिटल इतना, मार्कअप ऑन ड्राइंग इज इतना, नेट इनकम इज इतनी, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए। देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो इस साल की नेट इनकम होती है ना, नेट इनकम हमने याद है कैपिटल वाला जब, तो उसमें से क्या हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और ड्राइंग्स जो है वो ऐड हो जाएगा। वो तो बी कहना यार, हमने बी का तो लेना ही नहीं, हमने तो ए का लेना है। नेट इनकम की जो जो इसमें क्या है, मार्कअप ऑन ड्राइंग्स, वो बच्चों ऐड हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा, ऐड होगा। मार्कअप बोलते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब देखो नेट इनकम, ये मैंने पूरा टॉपिक आपको पार्टनरशिप वाला जब पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था। आपकी नेट इनकम बच्चों कितनी है? 50000। अच्छा ड्राइंग्स, मार्कअप ऑन ड्राइंग्स कितना है? 3000। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 2000। इसमें से माइनस करो, आंसर क्या बचेगा? 49000। कितना बचेगा? 49000। अब ये क्या है, ये जो है ना क्या पैसा, ये इनके दरमियान इक्वल डिवाइड होना है। ये इनके दरमियान बच्चों इक्वल डिवाइड होना है, ठीक है। इक्वल इन्वेस्टमेंट लॉस, मार्कअप ऑन कैपिटल इतना और मार्कअप ऑन ड्राइंग्स इतना, द नेट इनकम इज इतनी। अच्छा ये कैसे इसको 22000 पे ला रहा है ना, 22500 पे, दोनों को माइनस कैसे कर सकते? अच्छा जी एक मिनट, 49 को हम डिवाइड, 24500 इसका आंसर निकल रहा है, 24500। क्योंकि जो है ना उसमें वजह ये है कि ये इक्वल डिवाइड होना है, लेकिन इसमें बच्चों वो 24000 वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। मार्कअप ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल में नेट इनकम में ऐड होता है बच्चों। और ये हाँ यार ये हम गलत कर रहे हैं ना बच्चों, ये देखो जब इसको ऐड करेंगे यार 50 में ये ऐड करेंगे तो यहाँ बच्चों कितना बचेगा? सर यहाँ 51000 बचेगा ना यार, 51 बचेगा। 51 को 2 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 25500। ये आंसर गलत है बच्चों जो दिया हुआ है, ये आंसर गलत है। फिर समझा देता हूँ आप लोगों को, अगर समझ नहीं आई तो याद रखना, नेट इनकम में ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नेट इनकम में ऐड होता है और लेस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ये जो पार्टनरशिप वाला जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना, उसको बेशक जाके देख लेना। 50,000 इसमें बच्चों ये क्या हो गया, 3,000 ऐड हो गया, 2,000 बेटे माइनस हो गया, 2,000 क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा तो आंसर प्रॉफिट बच्चों क्या, नेट प्रॉफिट क्या बच गया जो हमने डिवाइड करना है, 51। अब दोनों में इक्वल डिवाइड करना है तो एक का हिस्सा कितना आ जाएगा, 25,500। चलो तो ये आपका ये वाला आंसर है, ना कि ये वाला आंसर। इसका मतलब है इसके अंदर थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत हुआ है, गलतियां हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट 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 ये बेटे ऑलरेडी उसने किया हुआ है। वो कह रहा है कि पार्टनर इज कैपिटल इज इतना, इज फर्दर इन इन्वेस्टेड इतना, और मार्कअप इज इतना। बनाना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एंडिंग मार्कअप ऑन कैपिटल। देखो बच्चों, ये मार्कअप ऑन कैपिटल भी इसने गलत कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा वो कैसे, देखो याद रखना जो मार्कअप ऑन कैपिटल होता है ना, वो बिगिनिंग कैपिटल पे भी होता है और एंडिंग पे भी होता है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 12 बाय 12। ये 12 बाय 12 क्या है इकरा सर, ये मंथ है ना, मंथ है बेटा। ये 1.5 लाख फर्दर कैपिटल है, इसका भी 6% लेना है इस पर बेटा। और ये कब इन्वेस्ट हुआ है, मार्च अप्रैल मई और जून, ये 4 मंथ्स के लिए होगा। ये बच्चों कितने मंथ्स के लिए होगा, इनका जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करोगे तो वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे भी लिया और इस पे भी लिया, 6% दोनों पे लिया। जो बिगिनिंग वाला है उसको 12 मंथ, यानी टोटल भी 12 मंथ और यूज मंथ भी 12 है। और जो मार्च वाला है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, वो 4 मंथ्स, यूज मंथ 4th और टोटल, तो इनको ऐड कर लो आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट बच्चों, ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, इन अ ट्रायल बैलेंस 10% डिवेंचर इतना, 6 मंथ मार्कअप इज इक्वल, व्हाट विल बी द टोटल मार्कअप। बच्चों को कह रहा है कि इन द ट्रायल बैलेंस 10% डिवेंचर आर शोन एंड द मार्कअप ऑन डिवेंचर शोन इतना, 6 मंथ डिवेंचर मार्कअप इज इक्रूड। बच्चों को कहता है व्हाट विल बी द टोटल मार्कअप। यार मेरी बात सुन, टोटल मार्कअप कैसे निकलेगा सर, ये देखें ना, ये इसका 10% ले लें, इसका 10% ले लें, तो बच्चों कितना निकल आएगा, 7500। कितना निकल आएगा, 7500। तो ये टोटल मार्कअप है, ये आपका क्या है, टोटल मार्कअप। अब बच्चों वो नेक्स्ट कह रहे हैं, आप फाइंड करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद है ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज ऐड हो जाती हैं, और परचेज बेटा ये भी बीच में ऐड हो जाता है, ये जो कैरेज इनवर्ड है ना, ये भी ऐड हो जाता है, ये और ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ये बीच में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। क्या निकल आएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखो ये आपस में दोनों ऐड हुए हैं, ये माइनस हुआ है, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सही हुआ है। नेक्स्ट बच्चों, ये हमें उसने ना एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बताई है सर। आपने हमें पढ़ाया था कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो, जो बच्चों चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट, सर इनकी क्रेडिट नेचर होती है, सर इनकी क्रेडिट नेचर होती है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो ये बीच में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, सर ये तो लिखा हुआ है कैश्ड, बेटा ये मार्च के बाद कैश हो रहे हैं। देखो हमने BRS कब की बनानी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने मार्च के बाद की BRS बनानी है, तो जो मार्च के बाद इन कैश होगा वो हमारे लिए नॉट कैश ही होगा। और नॉट, मैंने बताया था नॉट कैश नॉट प्रेजेंटेड को बोलते हैं, ये ऐड होते हैं। उसके बाद बच्चों ये देखो, चेक एंटर्ड इनटू कैश बुक, एंटर्ड इन कैश बुक बट पेड इनटू बैंक, ठीक है बच्चों। आप ये भाई पेड इनटू बैंक का मतलब है कि इन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बच्चों ये वाला केस है, ये क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाला, ये बीच में से माइनस। सर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं सर, ये डेबिट होता है, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, सर ये क्रेडिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा इनको आप क्या करोगे, बीच में ऊपर वाले में से तीनों को माइनस,
इसको बीच में ऐड, इसको माइनस, इसको ऐड, इसको माइनस, नीचे आपका आंसर आ जाएगा। शायद हुआ अभी हो, कोई नहीं बेटे, उसने मुश्किल तरीके से करवाइया, जैसे मैंने करवाइया आप लोग वैसे कर। अच्छा जी, क्या कहता है जी हमें यहाँ पे, कोई नहीं, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो बच्चों, कल तक, कल आप लोगों का काम है 150 पेजेस, तो आप लोगों ने कल 150 पेजेस करने हैं। और जो इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हो जाए वो तो ठीक यार, जो ना हो वो मुझसे करवाना और ईमानदारी से करना, ताकि 5 दिन में मैं, या जिस बंदे ने ये मेगा फाइल कर ली ना, उसका समझो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।